हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी क्लास। आज आपका जो टॉपिक होगा इस लेक्चर वीडियो थर्ड का, वो होगा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में क्या होता है, शॉर्ट नोट्स आता है आपके पास। न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम का मतलब हिंदी वाले समझ ले कि पैरामीशियम में पोषण कैसे होता है। क्लियर? तो पोषण से जाने से पहले किसी भी एनिमल का हम पता करेंगे कि वो उसका फूड का नेचर क्या है। अरे तो जो पैरामीशियम में जो फूड होगा, जो फूड का मैनर होगा, यहाँ पर कह सकते हैं कि या जो फीडिंग मेथड होगा वो फीडिंग मेथड कैसा होगा, होलोजोइक मैनर का है। होलोजोइक, होलोजोइक का मतलब होता है प्राणी सम, हिंदी में कह देते हैं यहां पर, ठीक। के द्वारा ये क्या करता है, फीडिंग करता है या क्या करता है, ये पोषण करता है। अब इसका जो फूड होगा वो फूड क्या होगा, यूनिसेलुलर एल्गा होंगे, डायटम्स होंगे यहां पर कहते हैं, उनका ये सेवन करता है यहां पर। क्लियर हो गया? मतलब कि यूनिसेलुलर एल्गा है यहां पर कंडीशंस कहते हैं। मतलब यूनिसेलुलर एल्गा या कहते हैं कि उनको हम एक साथ कंबाइन कर लें, यूनिसेलुलर प्लांट्स। मतलब एल्गी हो गई है प्लांट के अंदर, उसके आगे अंदर आ गया डायटम्स आ गया, उसके अंदर क्या आ गया, ईस्ट आ गए एटसेट्रा, दीज आर द। क्लियर हो गया? इनके ऊपर ये क्या करता है, और इनके अलावा ये अपने से छोटे जो स्मॉल प्रोटोजोआंस है उनके ऊपर भी क्या करता है, ये फीडिंग करता है। क्लियर हो गया? अब पैरामीशियम में न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन से जाने से पहले हम ये देखेंगे फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है, हाउ टू फूड वैक्यूल्स इज द फॉर्म, फूड वैक्यूल्स कैसे बन रही है यहां पर। तो जो पैरामीशियम्स में क्या होता है कि जो भोजन होता है वो भोजन कहां से इंट्रोड हो रहा है, वो इंट्रोड हो रहा है बकल कैविटी के छोर पे स्थित, किसके द्वारा लिया जा रहा है, साइटोस्टोम के द्वारा। इससे पहले वीडियो जो लेक्चर फर्स्ट वीडियो था उसमें आप देखेंगे तो ये दिस पोर्शन इज द नोन एज द साइटोस्टोम। मतलब कि इस साइटोस्टोम के द्वारा क्या हो रहा, भोजन को ग्रहण किया जा रहा है यहां पर। अब जो भोजन होता है यहां पर कैसे आता है, जो ओरल के सीलिया है, ओरल ग्रुप के सीलिया, उनमें क्या होता है, मूवमेंट्स होते हैं, उनमें गतियां होती हैं। तो जब गतियां होती हैं तो इस वाटर में क्या हो रहा, करंट उत्पन्न होता है। तो जब वाटर पे करंट उत्पन्न होगा यहां पर, कि मतलब कि वाटर क्या होता है, तेजी से वाटर क्या होता है, तेजी से क्या होता है, वेस्टिब्यूल की तरफ क्या होता है, वो खींचने लगता है। जैसे बावर होती है वो नीचे की तरफ आती, तो उसी तरह ये तेजी से क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा, नीचे की ओर खींच रहा। जब वाटर खींच रहा नीचे के साथ, तो उसके साथ क्या हो रहा है, फूड पार्टिकल्स भी आ जा रहे हैं, फूड पार्टिकल्स भोजन भी आ जा रहे हैं यहां पर। तो जैसे ही तेजी से खींचने लगता है तो भोजन जो कण होते हैं वो वेस्टिब्यूल में प्रवेश कर जाते हैं यहां पर। अब वेस्टिब्यूल के थ्रू ये क्या, सीली ट्रैक के थ्रू ये पहुंच जाते हैं, किस में पहुंच जाते हैं यहां पर, उसके पहुंच जाते हैं बकल कैविटी में यहां पर। क्लियर हो गया? जब ये बकल कैविटी में पहुंचते हैं वहां पर, तो जो इसमें दो तरह का है, एक सिलेक्शन पाथ है एक रिजेक्शन पाथ है। जो स्मॉल फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ही इंटर्ड होते, जो लार्ज फूड पार्टिकल होते हैं उनको क्या कर देता है, वो आउटसाइड कर देता है, वो बाहर की ओर कर देता है। ये देखिए दो पाथ है, मैं रेड कलर से बना रहा हूं, दिस मतलब एक अंदर इंट्रोड हो रहा, एक क्या हो रहा, वो बाहर की तरफ जा रहा है यहां पर। क्लियर हो गया? तो जो फूड वैक्यूल्स है वो पोस्टीरियर एंड पे साइटोफारिंक्स के क्या होने लगते हैं, एक्यूमुलेट, इकट्ठा होने लगते हैं। जब वो धीरे धीरे
इकट्ठे होने लगते हैं, और जो ओपन होती है किसमें ओपन होती है, एंडोप्लाज्म में, और फॉर्म करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, फूड वैक्यूल का, जिसे हिंदी में बोलते हैं खाद्य रिक्तिका करते हैं। ठीक, अब जैसे ही खाद्य रिक्तिका फॉर्मेशन होती है, ये बड़ी होती है और वहां से ब्रेकअप होके ये फ्री हो जाती है, किस में आ जाती है, वो साइटोप्लाज्म में आ गए। क्लियर हो गया, ये फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स है। अब इसी में एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है साइक्लोसिस। साइक्लोसिस है क्या, व्हाट इज द साइक्लोसिस? साइक्लोसिस एक चक्री गति है, कहते हैं कि जब फूड वैक्यूल्स का फॉर्मेशन हो जाता है यहां पर एंडोप्लाज्म में, और ये कंसिस्ट होती है फूड से, और ये इसके चारों तरफ क्या होती है, एक पतली सी, कह सकते हैं कि पानी की एक झिल्ली होती है, या कह सकते हैं कि वाटर की एक थिन फिल्म होती है यहां पर। ठीक, मतलब कि जिसके अंदर क्या होते हैं, फूड्स होते हैं, जिसके अंदर क्या होंगे, खाद होंगे, यहां पे अनेक छोटे छोटे कण होंगे यहां पर। तो अब जो फूड वैक्यूल्स है ये सर्कुलेट होगी अराउंड द बॉडी मोर या लेस इन डिफिनाइट पाथ, मतलब ये एड के शेप में ऐसे गई, फिर आई, फिर ये हो गई, एक डिफिनाइट पाथ पे ये क्या कर रही है, सर्कुलेट कर रही है यहां पर एंडोप्लाज्म में। इसी को ही हम कह देते हैं, क्या कह देते हैं, साइक्लोसिस कह देते हैं। बात क्लियर हो गई, मतलब आपसे ये कहने के मेरा तात्पर्य है, साइक्लोसिस का मतलब जब खाद्य रिक्तिका एक निश्चित परिपथ पे एंडोप्लाज्म के अंदर गति करती है, तो उस गति को हम लोग क्या कह देते हैं, साइक्लोसिस कह देते हैं। आ रहा समझ, उसको आपने क्या कह दिया, साइक्लोसिस कह दिया यहां पर। ठीक, एक डिफिनाइट डायरेक्शन में सर्कुलेट हो रहे एंडोप्लाज्म में, तो वो कहलाता है साइक्लोसिस। जैसे जो पाथ ऑफ फूड वैक्यूल का सर्कुलेशन का क्या है, फेरिंग से शुरू होगी, फिर डाउन टू पोस्टीरियर एंड आएगी, फिर अपवर्ड जाएगी, बिकम द डोर्सल आएगी, क्लियर, फिर बैक, फिर क्या होगा, बैकवर्ड पीछे आई, फिर क्या हुआ, ये सॉरी, फिर डोर्सल आई, डोर्सल के बाद फिर कहा गई, ये एंटीरियर आई, एंटीरियर से फिर पीछे की तरफ आ गई वेंट्रल साइड पे। ठीक, वेंट्रल साइड पे आने के बाद ये फिर क्या होगी, साइटोपाइजी के थ्रू अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, ये बाहर निकल गया। तो आप देख रहे हैं इस फिगर के थ्रू की जो फूड वैक्यूल एक डिफिनाइट पाथ में, एक निश्चित पाथ में क्या कर रहा, वो सर्कुलेट कर रहा है, इसी को ही हम साइक्लोसिस कहते हैं, जिसमें कि शॉर्ट नोड्स आता है यहां पर। अरे, तो जो फूड वैक्यूल से आपने देखा पिछले सिरे व अधर तल की ओर, फिर प्रस्थ तल की ओर, फिर क्या अगले सिरे पे जाता है, वहां से फिर क्या होता है, फिर अधर तल पर साइटोपाइजी के समीप जाके क्या होती है, ये फट जाती है यहां पर, जिससे कि अंडे, देखिए लिखा अनडाइजेस्टेड फूड, वो अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, बॉडी से बाहर की तरफ निकल जाता है यहां पर। क्लियर, तो अब यहां पर जो फूड डाइजेशन है, इसका डाइजेशन कैसे होगा भाई, जब ये फूड डाइजेशन होता है तो जैसे ये सर्कुलेट करती है, साइक्लोसिस मूवमेंट करती है, उसी के दौरान ही इसमें क्या होता है, डाइजेशन भी हो जाता है और एसिमिलेशन भी हो जाता है। डाइजेशन मीन्स पाचन, एसिमिलेशन मीन्स स्वांगीकरण, मतलब कि पाचन और स्वांगीकरण दोनों की प्रक्रिया ड्यूरिंग द साइक्लोसिस प्रोसेस, साइक्लोसिस के मूवमेंट के समय ही हो जा रही है यहां पर। और जो फूड वैक्यूल के सबसे खास बात है यहां पर, फर्स्ट एसिडिक देन एल्कलाइन, फर्स्ट कैसे होगी, वो फर्स्ट एसिडिक होगी यहां पर, और फिर देन क्या होगी, या कह सकते हैं कि जो सेकेंड होगा इसमें ऑप्शन, वो क्या होगा, अल्कलाइन होगी यहां पर।
फर्स्ट एसिडिक देन एल्कलाइन, यहां पर पहले एसिडिक होगी और फिर क्या होगी, वो एल्कलाइन होगी यहां पर कंडीशन। तो आपने देख लिया यही प्रक्रिया हम में भी होता है, पहले भोजन जो एसिडिक होगा फिर एल्कलाइन होगा। इसका मतलब कि ये जितने भी कॉर्डेट्स हैं या जितने भी एनिमल्स हैं उनका सबका कॉमन एंसेस्टर कौन होगा, पैरामीशियम लाइक एनिमल्स होगा यहां पर। मतलब इस तरह से ये आपको एक इवोल्यूशन की व्याख्या दे रहा है, यहां पर बता रहा है कि ये सब कॉमन एंसेस्टर हो गए भाई। अब यहां पर अब जैसे खाद में आनी होती है, पहले अम्ली बाद में क्षारी होगी और धीरे धीरे मूवमेंट के दौरान ही जो फूड होगा वो क्या होगा, डाइजेस्ट होता जाएगा, क्योंकि इस फूड वैक्यूल के साथ क्या होगा, लाइसोसोम आके मिक्सअप हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। जब लाइसोसोम फ्यूज हो जाएगा तो लाइसोसोम में क्या होता है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स होते हैं, जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स होते हैं, जो भोजन के पाचन में हेल्प करते हैं। तो जो डाइजेस्टिव इंजाइम्स यहां पे होंगे वो होगा आपके पास प्रोटीज होगा, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इंजाइम होंगे यहां पर, कार्बोहाइड्रेट इंजाइम्स होंगे यहां पर, प्रोटीज होगा और आपके पास क्या होगा, एस्टरेज होगा यहां पर। इस तरह से ये डिफरेंट एटसेट्रा इंजाइम्स, ये इंजाइम्स होते हैं कि जो भोजन के डाइजेशन पे क्या पाचन में क्या करते हैं, वो हेल्प करते हैं, यहां पर कह सकते हैं। यहां पर प्रोटीज होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा और एस्टरेज होंगे यहां पर, जो सिक्रेटेड हो रहे लाइसोसोम को इन द फूड वैक्यूल्स में, जो फूड को डाइजेशन कर रहे हैं यहां पर। ये प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ये कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा, ये एस्टरेज का डाइजेशन करेगा। और एक खास बात, जैसे जैसे फूड में डाइजेस्ट होता जाता है, फूड वैक्यूल का जो शेप है वो चेंज हो जाता है यहां पर, जो फूड वैक्यूल है का जो शेप है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, वो चेंज होता चला जाता है यहां पर। आप देख रहे होंगे फिगर पे, धीरे धीरे फूड वैक्यूल्स का जो चेंज है वो हो रहा है यहां पर। मतलब कि जो फूड वैक्यूल्स है वो क्या होती चली जा रही है, छोटी होती चली जा रही है, यहां पे लार्ज है, फिर और छोटी हुई और छोटी हुई और छोटी, लास्ट में क्या हो, छोटी हुई, केवल उसमें क्या बचा, अनडाइजेस्टेड फूड बचा है यहां पर। और जो आगे जाके यहां पे साइटोप्लाज्म पे आके यहां पर बैक पे पीछे क्या होती है, वो फ्यूज हो जाती है यहां पे, जिससे कि अनडाइजेस्टेड फूड क्या होता है, वो शरीर से बाहर की ओर निकल जाता है यहां पर। क्लियर हो गया। अब जब फूड डाइजेस्ट हो गया तो जो एसिमिलेशन की प्रक्रिया हुई, एसिमिलेशन की प्रक्रिया से स्वांगीकरण में डाइजेस्टेड फूड का डिसॉल्व इन द साइटोप्लाज्म इज द नोन एज एसिमिलेशन, ठीक, पचित भोजन का जीव द्रव्य में विलीन होने की प्रक्रिया को ही स्वांगीकरण कहते हैं या एसिमिलेशन कहते हैं। तो जो फूड हुआ उसे मेटाबॉलिक में यूज किया, जो एक्सेस फूड होगा उस एक्सेस फूड को ये क्या होगा, ग्लाइकोजन के रूप में या फिर फैट ड्रॉपलेट के रूप में क्या होता है, वो स्टोर कर लेता है यहां पर। मतलब ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करेगा या फिर फैट ड्रॉपलेट के रूप में जो होगा वो स्टोर कर लेता है यहां पर, जो एक्सेस फूड होता है यहां पर। क्लियर हो गया। तो ये न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम है यहां पर। क्लियर, क्वेश्चन आएगा न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, शॉर्ट नोट्स आएगा या फिर शॉर्ट नोट्स आपके इसके अंदर का जो टॉपिक होता है साइक्लोसिस होता है उससे शॉर्ट नोट्स आता है। दीज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोनों, यहां पर आपके पास साइक्लोसिस भी या न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम। जब न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम आप लिखेंगे तब उसके अंदर साइक्लोसिस लिखेंगे, लेकिन जब अकेले साइक्लोसिस आ जाएगा तब आप न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम में ना लिख के फूड वैक्यूल्स का जो मूवमेंट है एक डिफिनाइट पाथ में हो रहा है, एर्थ शेप में हो रहा है यहां पर बॉडी पे, उसके बारे में लिखेंगे और ये फिगर बनाएंगे यहां पर, तब ये आपका क्वेश्चन होगा कंप्लीट।